हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निट एंड नॉट बाय सिमरन। और आज हम बनाएंगे, देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सी 0 to 6 month बेबी गर्ल के लिए बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक। देखिए ये देखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत है, बनाने में ये उतनी ही आसान भी है। बस थोड़ा सा हमें इसे समझने की ज़रूरत है। देखिए ये न्यू बॉर्न टू 6 month बेबी गर्ल के लिए है। इसके लिए मैंने नॉर्मल, देखिए ये जो बेबी वूल आती है मैंने इसका यूज़ किया है। और इसको बनाने के लिए आप ये देख सकते हैं, मैंने 3.0 mm के क्रोशिए का मैंने यूज़ किया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो बेबी सॉफ्ट वूल से मैं इसे बनाने जा रही हूँ। आप थोड़ा सा इसे अगर समझ के बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना पाएंगे। तो ये 6 महीने की बेबी गर्ल को बहुत ही आराम से आ जाएगी। तो ये मैंने बनाई है 6 महीने की बेबी गर्ल के लिए। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैं आपको बताने वाली हूँ 1 साल की गर्ल के लिए। 1 साल की गर्ल के लिए मैं आपको बताऊंगी, लेकिन साथ साथ मैं आपको 6 महीने की गर्ल का भी मैं बताती जाऊंगी कि उसमें मैंने कितने चेन्स डाली है, उसे मैंने किस नाप से बनाया है। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेबी पिंक कलर लगाया है, लेकिन दूसरी जो मैं 1 ईयर बेबी गर्ल के लिए जो मैं बना रही हूँ इसमें मैं ये लेमन कलर की वूल का यूज़ कर रही हूँ। मैं इस फ्रॉक को डबल शेड में बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो आप इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, या अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप इसे कितने भी कलर्स में बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्योंकि मैं इसे 1 साल की गर्ल के लिए बना रही हूँ तो इसमें मैं 65 चेन्स डालूंगी। जो ये हमने 6 महीने की लड़की के लिए बनाई है इसमें मैंने 55 चेन्स डाली थी। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने 6 महीने की गर्ल के लिए बनानी है तो आप 65 चेन से स्टार्ट करेंगे। मैं 1 साल की गर्ल के लिए बना रही हूँ तो मैं 65 चेन से स्टार्ट करूँगी। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लेंगे एक स्लिप नॉट। ये देखिए इस तरह से हमने स्लिप नॉट ले ली। इसके बाद काउंटिंग करके हम 65 चेन्स बनाएंगे। देखिए 65 चेन्स बनाकर मैंने ये रेडी कर ली है। आप ये देखिए ये जो फ्रॉक बनी है 55 चेन से बनी है। और ये देखिए ये मैंने 65 चेन्स बनाई है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए ये जो लास्ट वाली चेन है, ये देखिए ये जो लास्ट वाली चेन है इस पे हम इस तरह से थंब रखेंगे। 3 चेन हम और बनाएंगे, ये 3 चेन बना के जिस चेन पे हमने थंब रखा है उस चेन पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया। एक चेन बनाएंगे, सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए ये सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया हमने और बना दिया। ये देखिए ये 3 चेन है और अगली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया एक चेन के गैप से बनाया है। अब हमने कोई चेन नहीं लेनी। देखिए इस चेन में हमने डबल क्रोशिया डाले 2 कट्ठे, 1 2 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में हमने फिर से 1 डबल क्रोशिया लेना है, 1 चेन लेनी है और सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशिया और लेना है। ये देखिए ये इस तरह से बनता हुआ आ रहा है। इसे हम कहते हैं वी स्टिच। तो ये वी स्टिच ही हमें बनाने हैं, इसकी योक में, इसकी चोली में वी स्टिच बनाकर कंप्लीट करना है। देखिए किस तरह से 1 2 3 तीसरी चेन में 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में 1 डबल क्रोशिया लेंगे। एक चेन सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशिया और लेंगे। फिर से तीसरी चेन में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया और। फिर से यही रिपीट करेंगे 1 2 3 तीसरी चेन में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन
और एक डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से बनाते हुए हम हमारे पहले इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए एक दो तीन, तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम अपने इस पहले राउंड को यहाँ तक बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए ये लाइन मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये देखिए इस तरह से हमारे पास वी स्टिच आ जाएंगे। आप ये देखिए इस तरह से ये वी स्टिच आ गए। अब हमने क्या करना है, देखिए तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। नेक्स्ट राउंड के लिए तीन चेन ली, इसे पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से इसे पलट देंगे। ये देखिए ये जो वी बना हुआ है इसके अंदर हमने ये देखिए एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। अब वी के अंदर हमने वी बनाते हुए जाना है किस तरह से, ये देखिए। अब ये दूसरा हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास ये दूसरा वी है। अब इसके अंदर हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट वाले वी में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। यही रिपीट करते हुए सेम हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। एक वी के अंदर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। आप ये देख सकते हैं हमने वी के अंदर ये वी बनाना है। तो चलिए इसी तरह वी के अंदर वी बनाते हुए हम हमारे इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। आप ये देखिए ये लास्ट में हमारे पास ये एक वी है और एक यहाँ पर ये चेन है। तो पहले हम यहाँ लास्ट पर पहुँच जाते हैं, फिर देखते हैं हमें इन तीन चेन का क्या करना है। तो चलिए पहले वी के ऊपर वी बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये दूसरी लाइन भी हमने वी के ऊपर वी बनाकर, ये देखिए आप देख सकते हैं, कंप्लीट कर ली है। लास्ट में देखिए ये तीन चेन है जो हम नेक्स्ट लाइन जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हम तीन चेन बनाते हैं, ये वो है। इसके ऊपर हमने देखिए सबसे ऊपर वाली चेन में हमने इसमें डबल क्रोशिया डालना है। ये देखिए, ये देखिए इस चेन में हमने एक डबल क्रोशिया डाल दिया। अब देखिए अब हम तीन चेन बनाएंगे, अब टर्न करेंगे। ये देखिए तो जब हम वहाँ से वापसी आएंगे तो ये जो तीन चेन होती है इसके ऊपर हमने एंड में एक डबल क्रोशिया डालना है। तो देखिए तीन चेन बनाई, टर्न किया। अब ये देखिए फिर हमने वी के अंदर एक वी बनाना है। आप समझ चुके होंगे सारे कि वी किस तरह से बनता है, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। ये देखिए वी इस तरह से बनता है हमारा, बहुत ही इजी है इसे बनाना। वी स्टिच है ये, देखने में भी बहुत प्यारा लगता है और बनाने में ये उतना ही आसान भी है। ये देखिए इसी तरह से हमें बनाते हुए इस फ्रॉक के इस वाले पार्ट को देखिए कंप्लीट करना है। तो ये देखिए ये जो 6 महीने के बच्चे की जो फ्रॉक है इसमें जो हमने चेन्स डाली थी, हमने स्टार्ट किया था 55 चेन से और इसमें हमने लाइंस बनाई है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो इसमें हमने 6 महीने की लड़की के लिए हमने 17 लाइनें बनाई है चोली के पार्ट के लिए। और ये जो हम 1 साल की गर्ल के लिए बना रहे हैं इसमें हमने 65 चेन बनाई है। तो इसमें हमने 17 लाइनें बनाई है, इसमें हम 23 से 25 लाइनें डालेंगे। वो अभी मैं लाइनें कंप्लीट कर लेती हूँ इसकी, फिर हम देखते हैं कि हम 23 डालेंगे या हम 25 लाइन डालेंगे। तो चलिए फिलहाल हम 23 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। किस तरह से, देखिए वी के ऊपर वी डालना है, वी के अंदर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया डालेंगे तो हमारा वी रेडी हो जाएगा। एंड तक हमें बनाते हुए जाना है। ये देखिए ये एंड में ये वी है, इसमें भी हम एक वी बनाएंगे, बट ये जो ये लास्ट में जो तीन चेन है इसमें सबसे ऊपर वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे
फिर उसके बाद तीन चेन बना के टर्न करेंगे, फिर वी के अंदर वी बनाते हुए हम सबसे पहले 23 लाइनें एटलीस्ट हम इसकी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले ये चोली का पार्ट हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देखिए इसकी 23 लाइन मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम एक बार देख लेते हैं कि हमें इसकी 23 लाइन चाहिए या 25। तो एक साल की बेबी गर्ल के लिए 23 लाइन इनफ है। जो हमने 6 महीने की बेबी गर्ल के लिए बनाया था उसमें हमने ये जो योक है, जो चोली है, इसमें हमने 17 लाइन बनाई थी, और एक साल की बेबी गर्ल के लिए हम यहाँ पर 23 लाइन बनाएंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये देखिए अब हमें इस पार्ट को बनाना है, बैक साइड के पार्ट को। तो 23 लाइन बनाने के बाद आप ये देखिए हम ये टर्न करेंगे। अब हमें यह कंधा बनाना है। कंधे बनाने के लिए 6 महीने की गर्ल के लिए हमने देखिए तीन जो वी स्टिच हैं, तीन वी स्टिच में हमने कंधा बनाया। अब इसमें कंधा हम 5 वी स्टिच से बनाएंगे। किस तरह, देखिए देखिए अब हम कंधा बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए तीन चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3। तीन चेन ली, टर्न किया, 6 महीने की बच्ची के लिए हमने कंधा 3 वी से बनाया था, यहाँ 5 से बनाएंगे। तो देखिए ये 1 वी स्टिच बनाया, 1 वी स्टिच में 1 वी स्टिच बनाया, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5। देखिए 5 वी स्टिच हमने बना दिए। ये देखिए 5 वी स्टिच हमने यहाँ पर छोड़ने हैं। आप चाहें तो यहाँ के 5 वी स्टिच में एक स्टिच मार्कर लगा सकते हैं। देखिए ये 1, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि मैंने पहले ही काउंट कर लिए थे इसलिए मुझे स्टिच मार्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये 5 इस साइड के कंधे के हमने छोड़ दिए, ये 5 हमने यहाँ बना दिए, बीच में हमारे पास 13 वी स्टिच रह गए। तो ध्यान से समझिएगा अब हमने क्या करना है, 5 यहाँ बना दिए, 5 यहाँ बनाने हैं, बीच के जितने भी हमारे रह जाते हैं वी स्टिच हमने उनको 3 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 13 हमारे वी स्टिच रह गए, 1 वी स्टिच की 3 चेन, आप इस हिसाब से भी याद रख सकते हैं, 1 वी स्टिच की 3 चेन हो गई। तो हमारे पास ये बीच में 13 वी स्टिच बन रहे हैं, तो यानी कि हमें चेन बनानी है 39। तो अब हमें 39 चेन बनानी है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिए 39 हमने चेन बना ली। अब यहाँ से हम 5 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए 5वें यहाँ पर वी स्टिच में हमने 1 वी स्टिच बनाया, ये देखिए इस तरह। इसी तरह इन चारों में भी हमने देखो 5, देखिए हमने 5 बना लिए। लास्ट में ये जो 3 चेन है यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया तो हर बार बनाना ही होता है। अब हमने क्या करना है, देखिए ये हमारा 1 साल के बच्चे का देखिए ये गला बन गया और ये कंधे बन गए। अब हमने क्या करना है, 1, 2, 3 हर बार की 3 चेन लेंगे हर बार की तरह और इसे टर्न करेंगे। देखिए टर्न करने के बाद अब यहाँ पर जो 5 वी स्टिच बनाए इनमें हम 5 ही वी स्टिच पहले बना लेंगे। ये देखिए जिस तरह से ये 1 बन गया, दो बन गए, इसी तरह 3 में और बनाएंगे। देखिए 5वें वी स्टिच में हमने 5 के 5 वी स्टिच डाल दिए। अब हमने क्या करना है, देखिए ये जो हमने चेन बनाई है अब इनमें हमने वी स्टिच डालने हैं 13 वी स्टिच हमने बीच में छोड़े थे तो अब 13 ही वी स्टिच बनाने हैं 3 चेन के गैप से। ये देखिए
एक दो और ये तीन। ये देखिए तीसरी चेन में हमने एक वी स्टिच बनाया। फिर से हम देखिए एक दो तीन, तीसरी चेन में हम फिर से एक वी स्टिच बनाएंगे। फिर से देखिए तीसरी एक दो तीन, दो चेन छोड़ के तीसरी चेन में हमने एक वी स्टिच बनाना है और हमें वो वी स्टिच देखिए यहां तक बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो हर तीसरी चेन में एक वी स्टिच बनाकर पहले हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस पूरी चेन में देखिए हमने बना रहे लास्ट की तीन चेन रह गई। अब फिर से दो चेन छोड़ के तीसरी वाली में फिर से हमने देखिए एक वी स्टिच बना लेना है। ये देखिए ये इस तरह से हमारा, आप ये देख पा रहे हैं, ये इस तरह से हमारा वी स्टिच बनकर आ गया। अब ये जो पांच हैं इनमें भी हमने पांचों में एक एक वी स्टिच बना लेना है। देखिए बहुत इजी तरीका है, जब आप बनाएंगे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है इसे बनाना, बस थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत होती है जब हम बनाने बैठते हैं, और जब चीज़ हमारे हाथ में होती है तो हम और भी अच्छे से समझ पाते हैं। देखिए ये पांचों मैंने ये बना लिए, लास्ट में ये एक जो तीन चेन हम बनाते हैं मुड़ने के लिए ये एक डबल क्रोशिया बना लिया। देखिए अब हमें कुछ नहीं करना, जैसे हमने पहला पार्ट बनाया दूसरा पीछे का पार्ट इसी तरह से ये स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए अब ये बिल्कुल ऐसा ही आ गया, ये गैप आ गया, ये हमारा बच्चे का गला है। यहाँ से ये देखिए इनफ है एक साल के बच्चे के लिए, और ये हमारे कंधे बन गए। जब आप इसको थोड़ा सा और लंबा देखिए बनाएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। देखिए ये हमारी इसकी एक साल की बच्ची की ये चोली बन गई है। सेम बनाते हुए आएंगे और इसकी लंबाई को हमने यहाँ तक बनाकर कंप्लीट करना है। इससे ये बनता जाएगा, हम इस तरह से नापते जाएंगे। तो बैक साइड की देखिए हमारी ये एक लाइन बन चुकी है, 23 लाइन हमने इस तरफ बनाई है, ये एक बन गई है, 22 लाइन और बनाएंगे, ये खुद ब खुद बराबर आ जाएगा। तो ठीक उसी तरह से ही बनाना है जैसे हमने नीचे से इसे बनाना स्टार्ट किया था, वी के ऊपर वी। और वी कैसे बनाना है ये आप अच्छे से अभी तक समझ गए होंगे कि वी के अंदर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, ये हमारा वी स्टिच बन गया। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए हमने इन दोनों पार्ट को देखिए बराबर बनाना है। ये हमारी दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई है, तो टोटल हमने 23 लाइन बनानी है। तो ये पूरी हो जाने के बाद हमारी दो लाइन हो जाएंगी, फिर उसके बाद हम 21 लाइन फिर हमने और बनानी है। तो चलिए इसे हम पहले बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देखिए ये दोनों पार्ट मैंने बराबर बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए ये हमारा ये फ्रॉक का ये गला हो गया। अब हमने क्या करना है, देखिए अब ये इस तरह से हमारा बनकर रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। 23 लाइनें हमने बनाई है इसमें, तो जो 6 महीने के बच्चे का नाप है उसके लिए हमने मोढ़ों के लिए ये देखिए ऊपर से यहाँ तक हमने 8 वी वाली लाइंस रखी हैं। देखिए मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 लाइन देखिए हमने मोढ़े के लिए इसकी निकाली है। अब हमारे पास 12 लाइन हमारे पास बच जाएगी क्योंकि हमने 23 लाइन बनाई है। एक बार हम इसे भी काउंट कर लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो 12 हमारे पास यहाँ नीचे बची है, 11 हमने मोढ़े के लिए रखी है। तो अब हम यहाँ पर देखिए मोढ़ा हमने छोड़ के बाकी हमने जो यहाँ की जो 12 लाइन्स हैं इन्हें हमें आपस में जॉइंट करना है। तो देखिए हम जॉइंट किस तरह से करेंगे, देखिए कॉर्नर से हमने इस धागे को निकाला, इस ऊन को निकाला,
तो टोटल हमने 12 लाइन को ज्वाइंट करना है। देखिए कॉर्नर का एक हो गया, ये देखिए ये एक सिंगल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह ले लिया, ये देखिए इधर भी इस तरह से हमने किया। देखिए एक जगह हमने दो सिंगल क्रोशिया इस तरह से डाल के इसे ज्वाइंट करना है। ये देखिए ये एक हो गया, लाइन से लाइन हमने अटैच करनी है। टोटल 12 लाइन हम आपस में जोड़ेंगे। जोड़ते वक्त हम एक बार देख भी लेंगे, साथ साथ हम काउंट भी कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम 12 लाइन हम पहले ज्वाइंट कर लेते हैं। 11 लाइन हमने मोढ़े के लिए छोड़नी है, टोटल 23 हैं। तो नीचे से हम जोड़ेंगे क्योंकि मोढ़ा छोड़ना है, तो नीचे से पहले हम 12 लाइन काउंट कर लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो देखिए आप चाहें तो यहाँ पर स्टिच मार्कर भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो नीचे से इसे जोड़ते हुए 12 लाइन काउंट कर लीजिएगा। तो मैं नीचे से जोड़ते हुए मैं 12 लाइन काउंट करूँगी स्टिच मार्कर लगाने की बजाय। तो देखिए इसे जोड़ने के लिए, देखिए जोड़ेंगे हम रॉन्ग साइड से ही। सबसे पहले ये देखिए, तो लाइन से लाइन अटैच करते हुए हम 12 लाइन्स को देखिए आपस में जॉइंट करेंगे। तो ये 12 लाइन हमने जोड़ दी हैं। देखिए टोटल 23 लाइन हमने बनाई थी, तो 12 हमने जोड़ दी है और 11 लाइन हमने मोढ़े के लिए छोड़ दी है। तो इसे हम एक चेन लेंगे, सीजर से इसे कट करेंगे, थोड़ा सा इसे इस तरह से हम खींच देंगे। पक्का इसे हम एंड में हम सारे ही ऊन को हम एक एक करके पक्का करेंगे। देखिए ये इस तरह से मोड़ा आ गया हमारा। अब हमने सेम इसी तरह 12 लाइंस को जोड़ना है और 11 यहाँ पर छोड़ देनी है। तो चलिए जिस तरह से हमने इस तरह जॉइंट किया इस तरफ भी हम पहले इसी तरह से जॉइंट कर लेते हैं। इस तरफ से भी मैंने जॉइंट कर दिया है। देखिए ये ऊन हमारे पास काफ़ी सारी बच गई है, काफ़ी जगह से बच गई है। इन्हें हमने पक्का ज़रूर करना है, चाहे तो आप क्रोशिए से थोड़ा सा इधर निकाल के लेते हुए जाइए या सुई में डालकर, पक्का हमें ज़रूर करना है। तो चलिए मैं आपको बाकी का पहले दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमें इसे आगे बनाना है। तो अब हम इसे सीधा करेंगे। देखिए हमने इस पार्ट को अब सीधा कर दिया। ये देखिए ये हमारी इस फ्रॉक की चोली बनकर आ गई है। देखिए ये मोढ़ा है बच्चे का, काफ़ी अच्छा स्पेस है, क्योंकि सर्दियों में फ्रॉक के नीचे भी हम बच्चों को 2 या 3 कपड़े पहनाते हैं, तो थोड़ा सा मोढ़ा खुला रहेगा, तो बच्चे को इसे पहनाने में भी परेशानी नहीं होगी और बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए ये हमारा बन गया। अब हम ये फ्रिल क्रिएट करेंगे, जिसके लिए आप ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना है। तो देखिए ये इस तरह से हमारा ये बनकर आ गया। अब फिर से हम एक स्लिप नॉट लेंगे इस तरह से। स्लिप नॉट लेने के बाद ये देखिए ना इधर से ना इधर से, देखिए ये जो ये पार्ट है इसका, ये जो सेंटर का पार्ट है, इसमें से हम क्रोशिए को निकालेंगे और हम इस तरह से एक स्लिप नॉट, ये सिंगल क्रोशिया हम इस तरह से करेंगे। एक बार और हम इसी तरह से करेंगे। देखिए हम इसका ये वाला पार्ट हम रेडी कर रहे हैं। तो अब हमें इस पार्ट को किस तरह से रेडी करना है, देखिए अब जितने भी देखिए ये स्पेस है, अब यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया दो एक साथ बनाए हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए इस स्पेस में ऐसे एक हमने इस स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया, यानी कि हमने जो वी डिज़ाइन बनाया है, अब हर एक यहाँ लाइन में हम वी डिज़ाइन बनाएंगे। किस तरह, ये देखिए इस स्पेस में भी एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। देखिए ये वी बन गया।
फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। देखिए वी हमें किस तरह से बनाना है, वी डिज़ाइन ये देखिए, ये स्पेस, फिर ये स्पेस, ये देखिए हर सिंगल क्रोशिया, हर जो लाइन है आप समझ पा रहे होंगे, हर इस स्पेस में हमें एक वी डिज़ाइन बनाते हुए, ये देखिए यहाँ से इस राउंड को हमें यहीं तक लेकर आना है। तो चलिए पहले यहाँ हर स्पेस में एक एक वी डिज़ाइन बनाते हुए पहले हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है, हर गैप में, हर स्पेस में हमने एक वी स्टिच बनाया है यहाँ पर। तो देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए ये वी स्टिच हमने बना लिया और इसे हमने यहाँ पर जॉइंट कर दिया। जब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया तो हमने इसे यहाँ पर जॉइंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, आप ये देखिए तीन चेन बनाएंगे और ये जो वी है, ये जो वी स्टिच है, इसमें हमने देखिए डबल क्रोशिया बनाना है लेकिन एक थोड़ा सा अलग तरीके से। ये देखिए ये हमने इस तरह से लिया, ये देखिए लिया, तीन लूप आ गए, पहले एक में से निकाला, फिर दो में से, फिर दो में से, देखिए इस तरह से हमें, ये देखिए हम ये चीज़ बना रहे हैं। तो हमें एक में से, इस तरह से एक वी स्टिच में से हमें सात डबल क्रोशिया इस तरह इकट्ठे बनाने हैं। ये देखिए तीन लूप आ गए, ये एक में से निकाला, दो में से, फिर दो में से, फिर से एक लिया, एक में से निकाला, दो में से, फिर दो में से, देखिए फिर से ये निकाला, एक में से, दो में से, फिर दो में से, ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पर एक दो तीन चार हो गए हैं। हमने तीन और बनाने हैं, देखिए इस तरह से लेंगे, एक लूप में से निकालेंगे, देखिए इस तरह से लेंगे, तीन लूप हो गए, एक में से निकाला पहले, फिर दो में से, फिर दो में से, एक में से, दो में से, फिर दो में से, देखिए हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः, और ये देखिए हमारे पास टोटल छः हो गए हैं, हमने सात बनाने हैं। तो देखिए ये हमारे पास सात डबल क्रोशिया इस तरह के हो गए। अब अगले वी में हमने फिर इसी तरह से, ये देखिए इस तरह से लेंगे, एक लूप में से, दो में से, फिर दो में से, इसी तरह से हर वी स्टिच में हमने इसी तरह सात डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। देखिए ये तीन बन गए हैं, इसमें चार और डालेंगे, सात हो जाएंगे, फिर हमने इसमें बनाने हैं, देखिए फिर इस वी स्टिच में, यानी कि हर वी स्टिच में हमने सात डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं और हमें ये एंड के देखिए वी स्टिच तक बनाना है। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए हम पहले इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये बाजू की हमारी इस तरह से, ये देखिए फ्रिल रेडी हो गई है। सेम ऐसा ही हमने दूसरी तरफ भी बनाना है, जैसा हमने इसे बनाया ऐसा ही हमने दूसरी तरफ भी ऐसा ही बनाना है। तो दूसरी तरफ भी देखिए हमने इस तरह से, ये देखिए दोनों फ्रिल हमने रेडी कर ली है। तो अब इस फ्रॉक की चोली का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, देखिए ये चोली बन चुकी है, अच्छे से बन चुकी है। अब मैं इसमें देखिए, इसमें जैसे कि हमने मैरून वाइन शेड ऐड किया है पिंक के साथ, अब मैं ये येलो के साथ ये मैं ब्राउन शेड ऐड करूँगी, मैं डार्क ब्राउन शेड ऐड करने वाली हूँ। आप कोई भी कॉम्बिनेशन अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए अब हम इसका घेरा बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए जो सेंटर से हमने स्टार्ट करना है, देखिए सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे, ये देखिए हम ये वाला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिए ये वाला पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम किस तरह से करेंगे, देखिए फ्रॉक को इस तरह से घुमाएंगे, सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट लेंगे, ये देखिए इस तरह से हमने एक स्लिप नॉट ले लिया। हमें वो वी स्टिच ही बनाना है पहले राउंड में, तो ये देखिए हम आइडिया से देख लेंगे कि सेंटर कहाँ है,
ये देखिए, वी स्टिच से नहीं, उसके साथ से। देखिए ये साथ में जो स्पेस है, ये देखिए ये वी स्टिच है, इनके साथ से हमें क्रोशिया लेना है, साथ वाले स्पेस से। और इस तरह से ये देखिए तीन चेन लेंगे, उसके बाद फिर एक डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह हमने बना लिया। अब दूसरा वी स्टिच हम इस वी स्टिच के साथ वाले स्पेस में बनाएंगे। देखिए ये जो धागा है, ये ऊन जो है, इसे हम साथ में ले लेंगे। ये देखिए इसे साथ में ही चला लेंगे तो ये पक्का हो जाएगा। ये देखिए एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से हम वी स्टिच बनाते हुए इस पहले राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। बाकी के जो दो राउंड बनेंगे उनमें हमें डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं, तो वो किस तरह से बढ़ाने हैं वो हम इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद देखेंगे। तो देखिए इस तरह से आप देख पा रहे हैं, वी स्टिच में नहीं, उनके साथ जो स्पेस है उस स्पेस में हमें वी स्टिच बनाते हुए इस राउंड को पहले कंप्लीट करना है। तो ये हमने देखिए राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे पहले यहाँ जॉइंट करेंगे। स्टार्टिंग में जो हमने तीन चेन बनाई थी, सबसे पहले वाली चेन में हम एक स्लिप स्टिच लेकर इसे जॉइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने जॉइन कर दिया इसे। अब हमने क्या करना है, देखिए स्टार्ट करने के लिए नेक्स्ट राउंड पहले हम तीन चेन बनाएंगे। अब जो हमने वी स्टिच बनाए हैं, देखिए क्योंकि हमें डबल क्रोशिया बढ़ाना है घेरे के लिए, तो इस दूसरे राउंड में देखिए हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। ये देखिए इस चेन को अगर हम हटा देते हैं, क्योंकि ये दूसरा राउंड स्टार्ट करने के लिए चेन बहुत ज़रूरी थी, तो हमने देखिए दो डबल क्रोशिया के बीच में हमने तीन डबल क्रोशिया बनाए हैं। और देखिए एक एक चेन के गैप में, तो देखिए फिर से हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया एक साथ लेकिन एक एक चेन के गैप से। ये देखिए एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से ये एक डबल क्रोशिया। ये देखिए इसी तरह से हमने ये जो सारे वी स्टिचेस हैं इसे हमने यहाँ से कंप्लीट करते हुए इसे हमने यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो चलिए हर वी स्टिच में तीन डबल क्रोशिया एक साथ एक चेन के गैप से बनाते हुए हम पहले इस राउंड को भी कंप्लीट करें। देखिए ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब जो तीन चेन है उसमें स्टार्टिंग में जो तीन चेन बनाई थी, सबसे ऊपर वाली चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच से बंद करना है। इस राउंड को देखिए हमने बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम तीन चेन बनाएंगे। देखिए स्टार्टिंग में तीन चेन ही बनानी है। उसके बाद जो हमने ये तीन डबल क्रोशिया एक साथ बनाए हैं, अब ध्यान दीजिएगा अब हमें क्या करना है। ये देखिए जो एक गैप है इसमें एक वी स्टिच बनाएंगे। वी स्टिच कैसे बनाते हैं ये आप सभी को मालूम चल गया होगा। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, ये हमारा एक वी स्टिच बन गया। अब ये जो दूसरा गैप है, देखिए जो तीन हमारे पास डबल क्रोशिया है, एक गैप ये है और एक ये है, दूसरा गैप है, इसमें भी हमने एक वी स्टिच बनाना है। ये देखिए इस तरह आप ये देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हम इसमें डबल क्रोशिया बढ़ा रहे हैं। ये देखिए ये हमारे पास तीन डबल क्रोशिया थे और अब देखिए हमारे पास चार डबल क्रोशिया हो गए इन तीन डबल क्रोशिया के ऊपर। ये देखिए ये एक जो है हमारा तीन चेन, इसे नहीं गिनेंगे हम। देखिए अब तीन डबल क्रोशिया के ऊपर
हमारे पास चार डबल क्रोशिया हो गए। मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ, देखिए किस तरह से करना है। ये देखिए तीन डबल क्रोशिया है। ये पहले दो गैप हैं, देखिए एक ये गैप है और एक ये गैप है। तो यहाँ दोनों गैप में हमें वी स्टिच बनाने हैं। देखिए एक वी स्टिच बनाया और ये दूसरा वी स्टिच। देखिए इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर एक बार और हमें बस ये डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं, उसके बाद हमें प्लेन ही बुनना है। तो पहले ये वी स्टिच बनाते हुए इसी तरह से देखिए पहले हम हमारे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। देखिए इस राउंड को जॉइंट करने के बाद देखिए अब हम दो बार बढ़ा चुके हैं। पहली लाइन तो हमने प्लेन बनाई थी वी स्टिच की, दूसरी लाइन में हमने बढ़ाए दो के तीन किए, अब फिर हमने तीसरी लाइन में देखिए तीन के चार किए। अब ये लास्ट लाइन है जिसमें हमें बढ़ाने हैं, उसके बाद हमें प्लेन ही बुनना है। तो देखिए अब हमें किस तरह से बढ़ाने हैं, तीन चेन हम बनाएंगे। ये देखिए तीन चेन बना के ये जो चार डबल क्रोशिया यानी कि जो दो वी स्टिच हैं, देखिए ये वी स्टिच दिख रहे हैं, ये देखिए दो वी स्टिच बनाए हैं हमने। पहले वी स्टिच के अंदर एक वी स्टिच बनाएंगे, ये देखिए ये पहले वी स्टिच के अंदर हमने एक वी स्टिच बनाया, ठीक है। अब जो दूसरा वी स्टिच है इससे पहले जो गैप है, यानी ये देखिए दो वी स्टिच के बीच में जो गैप है, इस गैप में भी हमें एक वी स्टिच बनाना है। ये देखिए ये एक वी स्टिच बनाया, देखिए अब ये हमारा दूसरा वी स्टिच, इसके ऊपर भी हमने एक वी स्टिच बनाया। ये देखिए अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको इस तरह से ये दिखाई देगा कि अदर कलर से देखिए एक वी स्टिच आप ये देख पा रहे हैं, दो यानी दो डबल क्रोशिया, उसके ऊपर देखिए तीन डबल क्रोशिया आ गए। फिर उसके बाद हमने तीन डबल क्रोशिया में हमने दो वी स्टिच बनाए यानी कि चार डबल क्रोशिया, और अब हमारे पास चार के छः डबल क्रोशिया हो गए यानी कि दो के ऊपर हमने तीन वी स्टिच बनाए। मैं एक बार आपको और बता देती हूँ, ये देखिए अब हमारे पास ये देखिए ये दो वी स्टिच एक साथ हैं। एक वी स्टिच में हमने पहले एक वी स्टिच बनाया, ये देखिए एक वी स्टिच बना लिया। अब इस गैप में एक वी स्टिच बनाएंगे, ये देखिए अब इस गैप में भी एक वी स्टिच बनाएंगे। तो यही राउंड है जिसमें हमने बस डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं ताकि एक फ्रिल क्रिएट हो जाए। तो ये देखिए इसी तरह से बनाते हुए हम हमारे इस राउंड को भी कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं हमें आगे किस तरह से प्लेन बुनना है। तो देखिए ये राउंड भी हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। देखिए दो वी स्टिच के ऊपर तीन वी स्टिच डाले हैं, बस अब हमें कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। थर्ड चेन में सबसे ऊपर वाली चेन के साथ एक स्लिप स्टिच लेंगे और इस राउंड को यहीं पे कंप्लीट कर देंगे, बंद कर देंगे। आप ये देखिए देख पा रहे होंगे, देखिए कितना अच्छा सा ये फ्रिल आ रहा है। इसे हम और नहीं बढ़ाएंगे, ये इनफ है इतना फ्रिल। बस अब हमने इसकी लंबाई को कंप्लीट करना है। तो देखिए अब हमें प्लेन किस तरह से बुनना है, ये देखिए हर राउंड की स्टार्ट हम तीन चेन से ही करेंगे। देखिए तीन चेन बनाई, अब देखिए अब जितने भी वी स्टिच हैं अब बस हमने वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच डालना है, कोई भी हमें बढ़ाना नहीं है ना ही घटाना है। बस ये देखिए अब सारे वी स्टिच के ऊपर बस हमने वी स्टिच ही बनाते हुए इस फ्रॉक की ये जो घेरा बन रहा है इसकी हमने लंबाई को कंप्लीट करना है। लंबाई देखिए आप जिस बच्चे के लिए बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उससे नाप कर भी देख सकते हैं। बाकी हम थोड़ी सी लंबाई पहले बना लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ी सी लंबाई के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितने इंच लंबाई टोटल बनाई है।
तो पहले आप देखिए ये समझ लीजिए कि पहला राउंड हमने प्लेन ही बनाया था, कुछ नहीं बढ़ाया। दूसरे, तीसरे और चौथे राउंड में हमने डबल क्रोशिया बढ़ाए हैं, तो ये फ्रिल आ गई। अब हमने ये देखिए जितने भी वी स्टिच अब हमें दिख रहे हैं, अब हमने बस हर राउंड में हर वी स्टिच के ऊपर एक वी स्टिच बनाते हुए इसकी लंबाई को कंप्लीट करना है। आई होप आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अब हमें इसकी लंबाई को किस तरह से कंप्लीट करना है। तो चलिए पहले हम इसी तरह से हर वी स्टिच के ऊपर एक वी स्टिच बनाते हुए पहले हम इसकी लंबाई को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसकी घेरे की लंबाई मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर के बटन लगाए हैं क्योंकि मुझे ये हिस्सा थोड़ा सा खाली लग रहा था, मैंने यहाँ पर बटन लगा दिया। आप किसी और चीज़ से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक बार इसका मेज़रमेंट कर लेते हैं। देखिए 8 इंच हमारी ये चोली है, और देखिए चोली के बाद हमने इसे कितना बनाया है, ये देखिए तकरीबन 9.5 इंच। थोड़ा सा अगर हम खींचेंगे तो 10 इंच। आप साढ़े नौ या दस कुछ भी बना सकते हैं, और बच्चा अगर आपके पास ही है तो आप अच्छे से नाप के बना सकते हैं। तो देखिए अब हमें इसकी यहाँ पर एक बेल्ट बनानी है, इसे बहुत ही प्यारा सा लुक देने के लिए। तो देखिए बेल्ट बनानी है, लेकिन मैंने गलती से एक बटन यहाँ भी लगा दिया, जिस बटन को मैं हटा दूंगी यहाँ पर हमारी बेल्ट आएगी। तो चलिए बेल्ट किस तरह से बनानी है, देखिए हमने क्या करना है। मैं बेल्ट को ब्राउन कलर से बनाऊंगी, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग किसी भी कलर से बना सकते हैं, चोली के कलर की या घेरे के कलर की। तो देखिए इसके लिए हमें पहले चेन बनानी है, और फिर उस चेन को हमें नीचे से ऊपर रखकर नापना है। तो देखिए पहले काउंटिंग हम चेन की बिल्कुल नहीं करेंगे, हम अंदाजे से बनाएंगे और इसे हम रख कर देखेंगे। तो चलिए पहले हम सिंपल चेन बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हम चेन बनाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से देखिए चोली के पास इसे रख लिया है, ये देखिए, और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह से हमने नापना है, नीचे से हम रखेंगे इसे, और इसे हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे। देखिए इस तरह से लेकर आएंगे ये सेंटर पॉइंट पे पकड़ के। उसके बाद देखिए ये हमारी बेल्ट बनेगी, तो थोड़ा सा हम इसलिए इसको ये बड़ा रखा है हमने, ये देखिए इतना बड़ा रखा है। मैं आपको ये निकाल के भी दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए इतनी बड़ी हमने इसी तरह से रखना है, इसी तरह से हमें नापना है, क्योंकि देखिए ये तो छोटे बच्चे की फ्रॉक है। हमें इस तरह से फोल्ड भी करना है, तो जब हम फोल्ड करेंगे तो थोड़ी सी ये फोल्ड में आ जाएगी, तो इसीलिए हमें यहाँ पर रखने के बाद भी तकरीबन दोनों तरफ से ये देखिए इतनी बड़ी हमें बनानी है, ताकि ये फोल्ड होके भी हमारी बहुत ही अच्छी लगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए चेन्स हमने पूरी कर ली है, अब 1 2 3 तीसरी चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सारी ही चेन में अब हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए डबल क्रोशिया, सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है हमें यहाँ पर सारी ही चेन में, ये देखिए इस तरह से यहाँ तक। उसके बाद डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे, फिर से इसे टर्न करके हर चेन में डबल क्रोशिया की टोटल 3 लाइन्स हमने बनानी है। तो चलिए पहले 3 लाइन्स हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया की जैसे 3 लाइन्स हमने इसमें बनाई है, देखिए इसी तरह से हमें 3 लाइन इसकी भी बनाकर पहले कंप्लीट करनी है। ये देखिए 3 लाइन्स मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए इसके लिए मैं एक बार इसे आप सभी को नाप कर भी दिखा देती हूँ कि कितना है। ये देखिए
तकरीबन देखिए 41 इंचेस मैंने इसको हल्का सा ही खींचा है, ज़्यादा नहीं खींचा है, 41 इंचेस हमने इस बेल्ट को बनाया है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसे ये देखिए ये राइट साइड है, ये देखिए खुद ही पता चल रहा है कि राइट साइड है, दोनों साइड से बॉर्डर आ रहे हैं, ये लेफ्ट साइड है। तो देखिए दोनों तरफ से हम इसे इस तरह से बराबर पकड़कर, ये देखिए हम इसे बराबर पकड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हमें इसे बराबर पकड़ना है। और ये देखिए ये एक तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से, दूसरी तरफ से बराबर ही फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसे सिल देंगे। इसे थोड़ा सा देखिए और अच्छी लुक देने के लिए मैं इस पर एक बटन भी लगाने वाली हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए पहले हम इसे इसी तरह से सिलकर और बटन लगाकर पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये बटन भी मैंने लगाकर कंप्लीट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि बेल्ट और इस बटन के साथ ये फ्रॉक कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये फ्रॉक आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।